हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, सेथ रॉलिंस कोडी रोड आ चुके हैं सेम पेज पे। हमारे कर चुके हैं बॉबी लैशली क्वालिफाई एट एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो गाइस, अगर कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते मंडे नाइट रॉ हाईलाइट की, तो वीडियो को लास्ट देखना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो गाइस हमारे शो की स्टार्टिंग होती है जेउसो न्यू डे वर्सेस एम्पीरियन के मैच। तो ये मैच बहुत लंबा चला, लेकिन गाइस मैच बहुत अच्छा था। एंड गाइस, इस मैच के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि मैच फिक्स हो गया है नेक्स्ट वीक के लिए, जेउसो वर्सेस गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइस ये मैच बहुत अच्छा था, परफेक्ट मैच था यार, परफेक्ट बिल्डिंग की गई, परफेक्ट मैच था, परफेक्ट बिल्डिंग की गई। मतलब स्लो पेस, हाई पेस, एंड गाइस उससे भी हाई पेस पे मैच गया। मतलब मूव्स जो लग रहे थे, ऐसे नहीं कि एक टीम ही जीत रही है। गुंथर को इवन जेउसो चैलेंज कर रहे थे, मैं रिंग में आ, मेरे सामने खड़ा हो, मुझसे लड़। भाई साहब, इतना खतरनाक चैलेंज ना आज तक नहीं देखा। एंड जेउसो ने मैच जीत लिया, न्यू डे एंड जेउसो ने मैच तो जीत लिया। लेकिन गाइस, इस मैच में परफेक्ट चीज़ तब हुई जब जेउसो ने गंथर को चैलेंज किया कि इनसाइड रिंग आ, और भाई साहब इंपीरियन को दोनों बंदों को अकेले ने धो दिया। एंड भाई साहब, जहाँ से ये पता चल रहा है कि जो जेउसो है उनका गंथर के साथ मैच तो होगा, लेकिन ये फ्यूड भी चलेगी, और इस मैच में कैश जिमी उसो ही मुझे लगता है इंटरफेरेंस करेंगे, जिससे इनकी बिल्ड होगी फ्यूड एट रसलमेनिया 40 के लिए। तो उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट था, वो था बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच। और इस मैच में बॉबी लैशली ने कर लिया क्वालिफाई। तो बस बॉबी लैशली ब्रॉन्सन रीड मैच में जीत चुके हैं। बॉबी लैशली क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, जो एलिमिनेशन में होगा, जिससे जो जीतेगा वो फेस करेगा साउथ अफ्रीकन रॉलिंस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट गाइस सेगमेंट होता है प्रोमो कट। कोडी रोड द अमेरिकन नाइटमेयर आते हैं और बोलते हैं कि रॉक आए, रॉक ने मुझे ये कहा। इवन उन्होंने पैट मैकफी का इंटरव्यू वाला भी लगा दिया, जिसमें पैट मैकफी बोल रहे होते हैं कि क्राई बेबी। तो गाइस आपको पता ही होगा, पैट मैकफी के शो पे आए थे द रॉक, एंड रॉक बोल रहे होते हैं क्राई बेबी, इज अ क्राई बेबी। एंड भाई साहब उसी का रेफरेंस लेके वो बोलते हैं कि रॉक इज़ अ हॉलीवुड स्टार, मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा इन पब्लिक, मैं उसे हिट करना चाहता हूँ। एंड भाई साहब यहाँ से ये चीज़ पता चली कि कोडी रोड चैलेंज करने वाले हैं द रॉक एट एलिमिनेशन चैम्बर। एंड भाई साहब जो ये चीज़ हुई भाई, बेस्ट प्रोमो कट एवर। पहले कोडी के चैंट लग रहे वी वांट कोडी, वी वांट कोडी, उसके बाद चैंट लग रहे हैं हमारे रॉक के, फिर कोडी सक के भी चैंट लगे, इवन रॉक के भी चैंट लगे, सारे चैंट्स लगे। एंड भाई साहब उसके बाद उन्हें आते हैं मतलब फेवर करने हमारे साउथ अफ्रीकन रॉलिंस। एंड भाई साहब जो ये मोमेंटम था ना, बेस्ट प्रोमो कट आई एवर सीन। एंड मिडल में रख के ना ट्रिपल ने बहुत अच्छी चीज़ की, ये बेस्ट प्रोमो एवर था। एंड भाई साहब कोडी रोड बोल रहे होते हैं कि मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। एंड भाई साहब उन्होंने पैट मैकफी को भी पूछ लिया, भाई तुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ? एंड भाई साहब उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं खुद रॉक का फ़ैन हूँ, लेकिन उसने मुझे मतलब जो चीज़ की मेरे साथ, वो आ रहा है अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहा है, ऐसे वैसे बहुत सब बेस्ट प्रोमो कट किया। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते आगे कि तुझे बंदा चाहिए कोई जो तेरे साथ हो रसलमेनिया 40 में, क्योंकि तू रसलमेनिया 39 में इसलिए आ रहा क्योंकि उसके साइड बहुत बंदे थे, लाइक उसके साइड था सोलो स्कुआ, जिमी उसो, जेउसो, सब उसके साइड थे, इसलिए तू हारा, लेकिन तुझे रसलमेनिया 40 में वो बंदा चाहिए। क्योंकि साउथ अफ्रीकन रॉलिंस शील्ड का रेफरेंस रहते हैं और कहते हैं कि मैं सेम पावर, सेम फोर्स, सेम इमेज के साथ आया था उस बंदे के साथ, लेकिन उस बंदे को मॉन्स्टर बनते मैंने ही बनाया, मैंने उसके शील्ड मतलब जो आपने पता होगा शील्ड टूटी थी, स्टील शेयर से अटैक किया, उसके बाद मैंने गेम चेंज कर दी, लेकिन वो मॉन्स्टर बन जाएगा, मैंने से कभी नहीं सोचा था। एंड भाई साहब ये बेस्ट प्रोमो था, उसने कहा ये मॉन्स्टर जो है वो अपने लिए कर रहा है, और सेकंड ऑफ ऑल ये रसलमेनिया टॉप पे अगर जीत गया उसके बाद तो ये टाइटल लेके नहीं आएगा और ये हॉलीवुड में चला जाएगा, ये भी बहुत सा प्रोमो कट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब उस मॉन्स्टर के दो फेस हैं, यानी कि फर्स्ट फेस है रॉक एंड सेकेंड है रोमन। तो उसने कहा कि ये मॉन्स्टर है दो फेस वाला, और भाई साहब क्या प्रोमो था यार। उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे साइड मैं खड़े होने वाला हूँ, सेथ फिगरोल्स खड़े होंगे कोडी रोड की साइड एज रसलमेनिया 40। तो भाई सेकंड नाइट सेथ फिगर रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, भाई साहब क्या होने वाला है, गजब, आप सोच नहीं सकते। इज़ द बेस्ट प्रोमो एवर आई सीन एट रसलमेनिया, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बेस्ट प्रोमो है। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है भाई साहब मैच। तो गाइस उसके बाद हमारा मैच होता है लिम मॉर्गन वर्सेस जोए स्टार्क, जिसमें लिम मॉर्गन जीत चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है एट एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। उसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलता है बैकी लेज का, द मैन का मैन आती है और बोलती है ये वो चीज़ें हुई हैं, नाया जैक्स ने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन गाइस नाया जैक्स भी आती है उसी टाइम, और उसी टाइम आती है द मामी, एंड मामी अपना बदला लेने आती है। लेकिन भाई साहब मामी का फेस ओढ़ने जा रहा है टर्न, क्योंकि मामी और बैकी ने सेम टाइम अटैक किया है रिया रिपली, सॉरी मामी ने और बैकी लेज ने सेम टाइम अटैक कर दिया
नया जैसे उन्हें बाहर फेंक दिया। एंड भाई साहब यहाँ से ये दिख रहा है कि मामी का करेक्टर फेस होने वाला है। एंड भाई साहब जो चैन लग रहे हैं ना वो अलग लेवल है। नेक्स्ट था हमारा गाइस, वो था जेडी मैकडाना। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सेगमेंट था जिसमें आर्ट्रुथ को कहते हैं हमारे डेमियन ब्रिज की तू ऐसे वैसे तू ये कर रहा, तो आज जेडी मैकडाना को फेस कर। एंड जेडी मैकडाना का मैच होता है एंड जेडी मैकडाना इस मैच को जीत चुके हैं। एंड भाई साहब डीआईवाई उन्हें बचाने भी आए लेकिन मैच इतना खास ना, लेकिन परफेक्ट चीज़ ये थी कि आर्ट्रुथ जेडी मैकडाना से हार। तो गाइस उसके बाद बैक स्टेज डीआईवाई जो होते हैं मिलते हैं आर्ट्रुथ से एंड आर्ट्रुथ डीआईवाई मिलके बात करते हैं। डीआईवाई ने उन्हें बचाया था तो इसलिए तो गाइस डीआईवाई इज़ अ बेस्ट टीम राइट नाउ। ट्रिपल एच पूरा फोकस कर रहे हैं डीआईवाई पर कि डीआईवाई को कैसे बेस्ट बनाया जाए। एंड डीआईवाई भी पूरा अपना 100% दे रही है, आपको पता ही होगा। लेकिन गाइस अब टायलर ब्रीज एंड बुच का मैच होगा अगेंस्ट एलिमिनेशन चैम्बर जजमेंट डे के बंदों से। तो गाइस हमारा नेक्स्ट देखने को मिलता है इसके बाद मैच जो हुआ गाइस हमारे एल ए नाइट वर्सेस आई वॉर। तो इस मैच में एल ए नाइट जीत चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। मैच अच्छा था, इतना खास भी नहीं था लेकिन मैच बहुत परफेक्ट था। परफेक्ट मूव थे, परफेक्ट बिल्डिंग थी। लेकिन गाइस इस मैच में जीत चुके हैं एल ए नाइट एंड वो क्वालिफाई करके एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। मेन इवेंट मैच हमारा वो था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन। मैच बहुत अच्छा था, बिल्डिंग थी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये मेन इवेंट टाइप मैच था। लेकिन गाइस इस मैच में फ्यूड सेट करनी थी कोडी रोड एंड ड्रू मैकइंटायर की। मैच जीत जाते हैं कोडी रोड की ड्रू मैकइंटायर की इंटरफेयरेंस की वजह से मैच जीते हैं हमारे शिंसुके नाकामुरा। लेकिन गाइस उसके बाद हमारे ड्रू मैकइंटायर और शिंसुके नाकामुरा अटैक कर देते हैं लेकिन कोडी रोड उन्हें बचाने आते हैं। एंड भाई साहब लास्ट एंड ऑल किया कोडी रोड्स ने, लेकिन गाइस सैमी ज़ेन ये मैच हार चुके हैं। और गाइस यहाँ से एंड होती है चीज़, और कोडी एंड ड्रू मैकइंटायर नेक्स्ट वीक इनका मैच होने वाला है रॉ पे एंड जे उसो एंड गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी हो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।